पूर्व विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें और बढ़ी हैं। बाहुबली विजय मिश्र समेत 8 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। इस वक्त आगरा जेल में बंद है भदोही जिले के पूर्व विधायक। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को उनका नया सरकारी बंगला अलॉट हो गया है, जिसके बाद डॉक्टर संजय निषाद ने अपने नए सरकारी बंगले में गृह प्रवेश किया। पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में गैंगस्टर के दो मामलों में माफिया कुंटू सिंह की पेशी हुई है। हालांकि सीपू सिंह हत्याकांड में फैसला अभी नहीं आ सका है, अब 11 अप्रैल को फैसले आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुंटू सिंह को कासगंज जेल से आजमगढ़ मंडल कारागार में शिफ्ट किया गया। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता मुनीर के बयान दर्ज करेगी एटीएस। मुनीर ने मुर्तजा की मानसिक बीमारी और इलाज का दिया था हवाला। मुर्तजा के संदिग्ध गतिविधियों को लेकर मुनीर से पूछताछ करेगी एटीएस। महाराजगंज पुलिस ने नौतनाबाद थाना क्षेत्र में गेस्ट हाउस पर छापा मारा है। दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। वाराणसी के रहने वाले दोनों संदिग्धों के पास से देश की खुफिया एजेंसी रॉ के फर्जी पहचान पत्र, कुछ नक्शे और कई दस्तावेज बरामद हुए। महोबा में शराब के नशे में फूड इंस्पेक्टर ने एसडीएम से अभद्रता कर दी। इतना ही नहीं, रोकने पर नायब तहसीलदार को भी अपशब्द कह दिए। एसडीएम के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र नाम के हिस्ट्री शीटर पर लूट, डकैती और गैंगस्टर समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। मैनपुरी में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बताया ये जा रहा है कि बदमाश पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम देने जा रहे थे और इसी दौरान स्वात टीम से बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बरेली में शादी से इनकार करने पर सिरफिरे ने इंटर की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। दो दिन पहले हुई छात्रा की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में खेत पर काम कर रहे दो किसानों को शराब के नाम पर जहरीला पदार्थ खिला दिया गया, जिसके बाद दोनों किसानों की मौत हो गई। मामला बखौली थाना क्षेत्र के जरेरा गांव का है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित सराफा दुकान पर बदमाशों ने लूट की कोशिश की है, नाकाम होने पर गोली चला दी। सुनार के बेटे को छूती हुई निकली गोली। मौके पर पहुंची पुलिस। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग की वारदात। फतेहपुर में हिंदू लड़की को दिन दहाड़े मुस्लिम युवक मिर्जा साबिर ने किया अगवा। लड़की के पिता ने अपहरण समेत धर्म परिवर्तन के बाद निकाह किए जाने का दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने मिर्जा साबिर को किया गिरफ्तार, जेल भेजा। गाजीपुर थाना क्षेत्र की पूरी खबर है। अमरोहा में मासूम को सगे चाचा और चाची ने मौत के घाट उतार दिया। घटना गजरौला थाना इलाके की है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मदन से पूछताछ की तो सच सामने आया। गाजीपुर में पुलिस ने बोर्ड परीक्षा में किसी और की जगह एग्जाम देने जा रहे दो सॉल्वर समेत 6 लोगों को पकड़ा है। मामला सैदपुर तहसील के केदारनाथ इंटर कॉलेज जो अर्जुन का है। सॉल्वरों के पास से 5 मोबाइल फोन, इंटर की भौतिक विज्ञान की लिखी हुई कॉपी बरामद हुई है। फतेहपुर में बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़े भाई की जगह हाईस्कूल की परीक्षा दे रहे नकलची को प्लेइंग स्क्वाड टीम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर पुलिस ने नकलची के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फरुखाबाद में पुलिस ने 3 साल के बच्चे के अपहरण के मामले का खुलासा किया। साथ ही देर रात बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे को अपने पास पाकर मां खुशी से रो पड़ी। आपको बता दें कि गुरुवार को घर के बाहर खेल रहे बच्चे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वहीं मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को काटकर लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। पुलिस और एक्सिस बैंक की आईटी सेल की जांच में भारी मात्रा में नकदी चोरी की बात सामने आई है। गैस कटर से काटी गई थी मशीन, जली हालत में अब मिली है। बस्ती के कप्तानगंज थाने के मदनपुरा गांव में कलयुग के बेटे ने अपनी मां को पीटा। बीच बचाव कर रहे भाई का भी चाकू से काटा होंठ। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है घायल। जमीन बंटवारे को लेकर 3 भाइयों में चल रहा था विवाद।